गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपने एक्सरसाइज 6.7 कर ली। 6.7 या 6.7 को दोबारा एक्सप्लेन करूं? यस स्टूडेंट, 6.7 आपने कर ली या उसके सारे सम वापस एक्सप्लेन करने? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। 6.7 मैंने आपको कुछ कुछ समझा दी थी, इसको वापस से बतानी है या आपने कर ली? सिक्स पॉइंट सेवन वापिस बतानी है या नहीं? यस और नो? कितने क्वेश्चन बताए थे उसके? 1, 2, 3 क्वेश्चन बताए थे। 4, 5 मैंने कहा था आप अपने आप कर लेना होमवर्क में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट 3 क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्सरसाइज 6.7 फर्स्ट 3 क्वेश्चन 1, 2, 3 में कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो पूछ लू, नहीं तो मैं 4 और 5 के भी दो दो क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछ ले मुझसे, नहीं तो मैं 4 और 5 के भी दो दो क्वेश्चन बता देती हूँ। कोई एक स्टूडेंट को तो प्रॉब्लम होगी, किसी एक सिंगल स्टूडेंट को तो प्रॉब्लम होगी इस 6.7 में? कोई डाउट होगा 4, 5 में, 1, 2, 3 में कोई तो डाउट होगा, या फिर मैं आगे वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ूं 6.7 की तरफ? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? 4, 5 बताना है? 4, 5 या वो भी कर लिया? क्वेश्चन नंबर 4, 5 मैंने आपको 1, 2, 3 बताए थे और 4, 5 के लिए बोला था कि वो भी इसी टाइप से हैं, आप कर लेना, नहीं तो मुझसे डाउट पूछ लेना। ठीक है, 4, 5 के मैं एक एक क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और लास्ट देख लें, फिफ्थ का भी फर्स्ट और लास्ट देख लें, आप 4 का फर्स्ट देख लें, ए देख लें, ए क्या है? 1/2 / 1/3, ठीक है, और इसी का एच और देख लो आप, इसी का एच है 5/12 / 13/18, ठीक है। इन दोनों को मैं बता देती हूँ, दोनों दोनों क्वेश्चन के फर्स्ट और लास्ट बता देती हूँ। वही 1/2 / को मल्टीप्लाई में करेंगे तो आगे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या आएगा? 3/2, मिक्स में होगा 1/1/2। क्लियर? इसी टाइप से इसको करेंगे 5/12, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करते ही आगे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये दोनों तो कट नहीं सकते, ये दोनों तो कट सकते हैं। 3 की टेबल से 3, 4 जा, 3, 6 जा, 3, 4 जा और 3, 6 जा, ठीक है। 3 की टेबल से भी काट सकते हो, नहीं तो 2 की टेबल से भी काट सकते हो, 2 की टेबल से आप फिर वापस ये 2 की टेबल से कट रहा है, 2, 2 जा और 2, 3 जा, तो क्या आएगा? 5 × 3 यानी 15/13, 13 × 2 = 26, ठीक है। अब डिनोमिनेटर इसका ग्रेटर है तो आप मिक्स में आंसर नहीं देंगे, ग्रेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ठीक है, तो आप इसको मिक्स में आंसर नहीं देंगे। देख, समझ में आ गया? क्लियर स्टूडेंट्स?
राइट आंसर। हाँ 6.8 अभी करवा रही हूँ मैं। आ गया समझ में? अब एक बार 5 का और देख लो, 5 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और लास्ट देख लो, ये समझ में आ गया? ट्वेल्व वन अपॉन टू डिवाइडेड बाई वन वन अपॉन थ्री, ठीक है? मिक्स को पहले हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन टू डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 3, क्लियर? अब इसको कन्वर्ट, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। अब इसमें कुछ भी नहीं कट रहा तो 75 अपॉन 8, इसको मिक्स में करेंगे तो 93 अपॉन 8, क्लियर? ये बता दिया। और एक डी और देख लो इसका, डी 6 2 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 1 3 अपॉन 5, क्लियर? ये क्या होगा? 32, मिक्स को इम्प्रॉपर में 32 अपॉन 5 फिर डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 5, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम। रेसिप्रोकल करने से 5 अपॉन 8 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 8 वन जा 8, 8 फोर जा 24, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। क्लियर? देख लीजिए बोर्ड पे, सबको दिख रहा है? बोर्ड पे क्लियर है सबको? प्रखर आप क्या लिख रहे हो? यस लिपिका, राइट आंसर। देख लीजिए बोर्ड पे, सबको क्लियर होगा? देख लो चारों क्वेश्चन, 4K भी मैंने 2 बता दिए और 5K भी 2 बता दिए। अब अगर किसी ने कर लिया तो अपनी कॉपी से मैच कर ले। क्लियर? कॉपी से मैच कर ले। आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम 6.8। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पेज नंबर 86, इसको आप एक बार रीड कर लेना, सिंपल है, समझ में आ जाएंगी। पेज नंबर 86 से जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, उसको रीड कर लेना। वैसे हम क्वेश्चन के थ्रू समझा चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लिख लो आप, किसी को लिखना है तो आप लिख सकते हो। किसी को अगर बोर्ड पर से लिखना है तो लिख लीजिए, वरना मैं आगे स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड प्रॉब्लम का, संजना वॉम, लिख लिया सबने? रब कर दूँ? संजना स्वयं 4 1 1 3 अपॉन 8 आवर्स एंड जॉग फॉर 2 अपॉन 5 आवर्स, हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड ऑन बोथ एक्टिविटीज? ठीक है, स्विमिंग कितने घंटे कर रही है? 1 3 अपॉन 8 आवर्स और जॉगिंग है 2 अपॉन 8 आवर्स। आपको बताना है वो टोटल टाइम एक्टिविटीज पे कितना स्पेंड कर रही है, क्लियर? यस, स्टेटमेंट लिखना है इसमें, स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है? पॉइंट एट फर्स्ट, संजना स्वयं 4 स्पेंड टाइम देयर फोर स्पेंड टाइम
एन स्विमिंग में कितना कर रही है, इज इक्वल टू 1/3/8 आवर्स, ठीक है, इतना टाइम स्पेंड कर रही है। देयरफॉर स्पेंड टाइम इन जॉब। कितना? 2/5 आवर्स, ठीक है। तो आपको बताना है टोटल दोनों एक्टिविटीज में टोटल कितना स्पेंड कर रही है टाइम। शी हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड ऑन बोथ एक्टिविटीज। सो शी स्पेंड टाइम ऑन बोथ एक्टिविटीज, ठीक है। इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, 1/3/8 + 2/5। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने प्लस करना बता रखा है, आपको एलसीएम लेके करना है। क्या करना है? एलसीएम लेके 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8 और 3 = 11/8 प्लस 2/5। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 8 और 5 का क्या आएगा एलसीएम? 40। क्या आएगा? 40। 40 हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। 40 हम अब वही सिंप्लीफाई का तरीका वही है, 40 को डिवाइड करेंगे 8 से, क्या आएगा? 5, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, प्लस 40 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा? 8, और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो क्या आएगा? 55 प्लस 16/40। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 11, 1 बचा 6 और 1 7, 71/40, 71/40। अब डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, तो आप इसको मिक्स में आंसर दे देना। बताइए मिक्स में क्या आएगा? सभी निकालेंगे 71/40, 71/40 का मिक्स में निकाल सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। निकाल के बताइए, स्टेटमेंट बनाने हैं आपको। प्रियांशी अभी तुम 6.2 का पूछ रही हो बेटा, अलग से पूछना आप। मैं 6.8 पे आ गई हूँ, आप 6.2 का पूछ रही हो, ठीक है। और लाइव क्लास में हम इतना वो बैक में कैसे जाएंगे? प्रियांशी आप 6.2 का पूछ रही हो, हम करा रहे हैं 6.8, अब इतना बैक में नहीं जा सकते, तो आप मुझसे अलग से अपने नंबर पे पूछना। ये अलग से ये क्वेश्चन मुझसे अलग से अपने नंबर सेंड करके मुझसे पूछना। क्लियर प्रियांशी? अब इसका मिक्स में आंसर बताओ कितना आया। 71 को डिवाइड करो 40 से, क्या आएगा? कोशेंट कितना आया? कोशेंट 41, 41 टाइम आया, 1/31/40, ठीक है। 41 × 40, उसमें प्लस 31 करेंगे तो ये आ जाएगा। यस राइट आंसर, सबका सही है। लिपिका, नेहा, नव्या प्रजापति, कुशाल, नव्या मल्होत्रा, कुशाल, आयुष, नव्या, हाँ दित्या राइट आंसर, भव्या राइट आंसर, ठीक है। जिसको जो पीछे रह गया है वो मेरे अलग से नंबर पे पूछे। जो पीछे रह गया है होमवर्क करने में वो अलग से अपनी प्रॉब्लम सेंड करे फोटो खींच के, ठीक है। बुक में कौन सा क्वेश्चन बताना है बुक का,
और कौन सी एक्सरसाइज का बताना है, टिक करके पिक्चर, उसकी पिक्चर खींच के फिर सेंड करें अगर कोई स्टूडेंट पीछे रह गया है तो। क्लियर? और नंबर चाहिए वो ग्रुप में से निकाल लेना। ओके, आंसर आएगा 31/40। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, सुषमा ब्रॉट वन, सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, कुछ मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी। सुषमा ब्रॉट 1/1/2 kg ऑनियन, 3/1/4 kg पोटैटो, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल शी ब्रॉट। तो उसने कितनी वेजिटेबल ली, टोटल वेजिटेबल कितनी खरीदी, उसने ऑनियन कितना लिया, ऑनियन 1/1/2 kg, और पोटैटो कितना लिया, 3/1/4 kg। आपको बताना है टोटल वेट, वेजिटेबल का टोटल वेट बताना है। ठीक है, तो दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस, दोनों को प्लस। होमवर्क में नोट कर लीजिए, आपको खुद को करना है विथ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 1/4 liter मिल्क इन ए ग्लास। एक ग्लास में कितना मिल्क है, 1/4 liter ग्लास था, ग्लास में कितना लीटर मिल्क था, 1/4 liter। राधा ड्रंक 1/8 liter, राधा ने कितना पी लिया, 1/8 liter मिल्क पी लिया फ्रॉम इट, उसमें से। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द ग्लास, तो ग्लास में अब कितना बचा, लेफ्ट आ गया, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड आप नोट कर ले होमवर्क में और प्लस करना है। There was quantity of milk in a glass। कितनी क्वांटिटी है मिल्क की, 1/4 liter। ठीक है, राधा ड्रंक मिल्क इज इक्वल टू 1/8 liter लेफ्ट मिल्क। सो लेफ्ट मिल्क इन द ग्लास ग्लास में कितना मिल्क रह गया, 1/4 में से माइनस कर देंगे 1/8। क्लियर? 1/4 में से 1/8 liter मिल्क को माइनस कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? सब्ट्रैक्शन होगा। चलिए, नव्या मल्होत्रा ने कर भी लिया, आप सभी करो इसको सॉल्व, जल्दी करो सॉल्व। एलशियम लो पहले, इसका एलशियम क्या आएगा, 8। एलशियम यहाँ निकाल के शो करना है आपको, एलशियम क्या आएगा इसका, 2 से किया, 2 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से 1 और 1, तो एलशियम क्या आ गया इसका, एलशियम है 8 आप यहाँ लिख देंगे। क्लियर? 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 8, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 liter क्या आएगा, 1/8 liter। क्लियर स्टूडेंट? वन अपॉन 8 liter इज द राइट आंसर। किस किस ने कर लिया, वेरी गुड, 1/8। अनीश का सही है, राजवीर, नेहा,
नेहा आर्यन, नव्या मल्होत्रा, अनीश का सही है, कुशाल, सैजल का सही है, लिपिका, नव्या प्रजापति, उदय, दित्य आपका गलत है, भव्या का सही है, दित्य आपका रॉन्ग है, अभी तक दित्य का रॉन्ग है, बाकी सबका सही है। वेरी गुड स्टूडेंट, दित्य आप सही करो इसको। हाँ आप सही है अनीश, वेरी गुड, प्रियांश इज राइट आंसर, सबका सही है, ऑल स्टूडेंट्स वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू आपने नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर थ्री देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री है अ बंडल ऑफ क्लॉथ हैड 13 1/2 मीटर क्लॉथ, एक बंडल में कितने मीटर क्लॉथ है, 13 1/2 मीटर, द टेलर यूज 5 1/4 मीटर आउट ऑफ इट, टेलर कितना क्लॉथ यूज कर रहा है उसमें से 5 1/4 मीटर उसने यूज किया, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट, अब कितना क्लॉथ बचा, दोनों को क्या कर देंगे माइनस, होमवर्क में नोट कर लीजिए, आपको क्या करना है माइनस करना है क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह, अभी तक दो होमवर्क में दे दिए हैं, सेकेंड और फोर्थ, फोर्थ में भी माइनस करना है, लेफ्ट आ गया, नोट डाउन कर लेना। अब आइए क्वेश्चन नंबर फाइव पे, क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, फाइंड द सम, पहले तो इन दोनों का सम करना है और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना, सम करो जल्दी से, सम ऑफ 1 5/8 + 6 1/4, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर फाइव में इन दोनों का सम करें हर एक स्टूडेंट, सम ऑफ सब्ट्रैक्शन होगा, बिल्कुल सही है, फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव करें, फोर तक नोट कर लिया सबने, फोर में सब्ट्रैक्शन होगा बिल्कुल थ्री की तरह, अभी तक दो सम के आ गए, दो प्लस के आ गए क्वेश्चन, दो माइनस के आ गए, फर्स्ट और सेकंड में प्लस करना था, थर्ड और फोर्थ में माइनस, सबका सब हर टाइप का बता रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर फाइव में करना है सम, सम करिए जरा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जल्दी करो, पहले मिक्स को प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, 8 1 8 और 5 13/8 प्लस 24 24 1 25/4, अब इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम 4 2, सबको आता है एलसीएम लेना, 2 2 जा, सबको बता रखा है मैंने एलसीएम, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया था ना 8, वैसे ही आया इसके अंदर भी 8, आप करिए इसके आगे सॉल्व करें हर एक स्टूडेंट, ठीक है, इसको क्या करना है 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, वही प्रोसीजर है, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा 2 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो हमारे पास क्या आ गया 13 + 25 2 = 50/8, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 36/8, इसको मिक्स में आंसर दे देंगे, इसका आंसर हम मिक्स में आप आंसर दे देना, 63 आया ना, 63/8, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे देना, क्लियर स्टूडेंट, मिक्स फ्रैक्शन में अभी मत देना, अभी इसको अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, सम ऑफ हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अभी इनकम्प्लीट है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 63/8 को, 63/8 जो प्लस का आंसर आया है उसको 10 1/2 में से सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, पहले ये मिक्स को प्रॉपर में बदल देती हूँ, 20 और ये हो गया 21/2 माइनस 63/8, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम 2 और 8 का, क्या आएगा 2 1 जा 4 जा 2 1 जा 2 2 जा और 2 तो 8 आएगा इसका भी एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 8, ठीक है, आप अच्छी तरह निकाल के देख लेना 8 आएगा, ठीक है, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 4
और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 84 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 अपॉन 8, 84 में से 63 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, और ये हो जाएगा 2, 21 अपॉन 8, 21 अपॉन 2, 8 को मिक्स में आंसर दे देंगे आप। अगर ऐसे ही आंसर है तो कोई बात नहीं, मिक्स में आंसर सबको निकालना आता है। 21 को 8 से डिवाइड करेंगे 16, 16 और 16 क्या आएगा 5, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन, ठीक है ये आंसर आ जाएगा 2, 5 अपॉन 8। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया सबको, 2, 5 अपॉन 8, 2, 5, यस राइट दित्या, लिपिका, वेरी गुड, सबका सही है, नेहा शर्मा, लिपिका, अनिश, 42 नहीं आई है, 4, 42 अपॉन 8 किसका लिख रहे हो आप, दित्या सही है, नेहा का सही है। अब बोलिए कुछ डाउट है यहाँ तक, आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करना है, 6 और 7 में मल्टीप्लाई है अगर कर सकते हो तो, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में मल्टीप्लाई करना है आपको, समझा दूं क्या, वैसे तो टाइम पूरा कंप्लीट हो गया है, 6 और 7 में आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 और 7 में नोट डाउन कर लें आप, 7 तक होमवर्क कर लेना, 7 तक होमवर्क कर लेना। 5 में कोई डाउट है आपको, 5 जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी को कुछ पूछना है इसमें से, 6 और 7 में मल्टीप्लाई करना है 7 तक। ओके भव्या, हाँ 6 और 7 भी होमवर्क में करना है, यस आर्यन, वेरी गुड आर्यन, ठीक है सबका आंसर सही था, आपको 7 तक होमवर्क करना है, 6 और 7 होमवर्क में करना है, और इसमें मल्टीप्लाई होगा, सुन लेना आप, 6 और 7 में भी आपको होमवर्क में करना है लेकिन इसमें मल्टीप्लाई होगा। 5 में कोई डाउट है किसी को, 5 में एक मिनट, 5 देख लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ, किसी को कुछ पूछना है इसमें से, बस आपको 7 तक करना है, 7 तक, केवल आपको 7 तक करना है होमवर्क, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।